साइबर अपराधियों ने अब अपने तरीके बहुत बदल लिए हैं लोगों को लूटने के। जी हाँ, जन जन की आवाज़ जीएन भारत फिर से एक एक्सक्लूसिव खबर के साथ मौजूद है। आपने कई बार, शायद आपके साथ भी हुआ होगा, कि हर दिन आपको एक कॉल आता होगा केबीसी कौन बनेगा करोड़पति का, और कहा जाता होगा, या फिर मैसेज आता होगा और कहा जाता होगा कि आपने 40 लाख, 25 लाख, 50 लाख रुपये जीत लिए, और उसके बाद फिर आपको व्हाट्सअप कॉल किया जाता होगा या व्हाट्सअप ग्रुप से जोड़ा जाता होगा, और फिर आपसे बैंक अकाउंट, जी हाँ, पासबुक का जो फ्रंट पेज है उसका डिटेल्स मांगते होंगे आपसे। कई बार बहुत लोग उनके डिटेल्स दे देते हैं, इससे वो अपनी गाढ़ी कमाई को गंवा बैठते हैं। आपको बता दें, आजकल साइबर क्राइम ने बहुत सारे तरीके, जो ठगी है उन्होंने बहुत सारे तरीके अपनाए हैं लोगों के ठगने के। जैसे आजकल बिजली बिल, आप तो समझ रहे हैं, आज डिजिटाइजेशन का जमाना है, डिजिटल का जमाना है। इंडिया जो है अब वो डिजिटल भारत, कैशलेस सोसाइटी की तरफ मुड़ रहा है। मोदी जी का भी सपना है, वो कहते हैं कैशलेस सोसाइटी की तरफ हमें जाना है, क्योंकि इससे करप्शन जो है वो न के बराबर होता है, सब ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये नया कैशलेस और डिजिटल भारत एक अपने सामने एक नई चुनौती खड़ा कर रहा है। लोग अपनी गाड़ी कमाई खो बैठ रहे हैं, एटीएम लॉक, चाहे वो केवाईसी अपडेट, चाहे वो बिजली बिल भुगतान, टोल फ्री नंबर, ये सब के बहाने पैसे लूटे जा रहे हैं। लेकिन अब जो केबीसी का जो मामला आया है, इसमें बहुत लोगों को ठगा जा रहा है, और इसके साथ ही इसमें अमिताभ बच्चन या फिर मोदी जी का नाम लेकर भी ठगा जाता है। ऐसे ही कुछ लोग भी है, मैं आपको जनता से रूबरू कराऊंगी, जिनके साथ वाकई में ऐसे कॉल्स आए हैं, जो ऐसे ठगी होने से बचे हैं। एक बात बताइए, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम मनोज शर्मा है जी। ऐसा कभी आपके साथ हुआ है कि केबीसी का कॉल आया? क्या हुआ है, जरा विस्तार में बताइएगा। हाँ, एक कॉल आया था जिसमें बोला गया कि आप लकी विनर हैं और आपका 40 लाख का केबीसी के तरफ से आपको प्राइज मिल रहा है, उसके लिए आपको चुना गया है। तो उसके बाद मैंने पूछा भी कि तो क्या करना होगा मुझे, तो बोला गया कि आपको एक नंबर दी जा रही है, उस पर कॉल करेंगे, वो आपको बता देंगे कि आप ये पैसा जो है लॉटरी की जो राशि है वो आपको कैसे प्राप्त होगा। तो मैंने जानबूझकर, हालांकि मैं जान रहा था कि ये लोग साइबर फ्रॉड हैं, तो एक जो नंबर दिया गया उस पर कॉल किया मैंने, तो उन्होंने कहा कि आप जो है सो अपना डिटेल्स दीजिए और बैंक अकाउंट और फ़ोन नंबर ये सब दीजिए। तो मैं चूँकि जान रहा था, ये तो बहुत कॉमन चीज़ है, बहुत सारे जगह ये ठगी हो ही रही है, तो मैंने बोला कि अच्छा, आप जो प्रोसेसिंग की जो राशि मांग रहे हैं वो आप काट कर मुझे वापस दे दीजिए। तो शायद उसे लगा हुआ कि ये थोड़ा जानकार हैं, तो उसने फिर काट दिया, फिर बाकी उसके बाद कोई संवाद नहीं हुआ। आपको लगता है आजकल हर जनता के साथ केबीसी वाला फ्रॉड हो रहा है? हाँ, ये तो कॉमन है ये तो। लेकिन आप तो चलिए जानकार है, बच गए, लेकिन ऐसे कई लोग हैं जो झांसे में आ जा रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, ये साइबर फ्रॉड जो है सो दिन भर में मान लेते हैं 200 जगह कॉल किए, 5 आदमी भी अगर उसके गांव देहात के या सीधे साधे जो लोग हैं वो उसके झांसे में आ गए तो वो ठगी कर। सरकार को आपको लगता है कुछ विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अब हर चीज़ ऑनलाइन हो रहा है, कैशलेस सोसाइटी की तरफ हम बढ़ रहे हैं? देखिए, किसी चीज़ का गुण है तो दोष भी है। बिल्कुल, ऑनलाइन तो जरूरी है आज के समय में, बहुत आसान है, कहीं भी हम लोग ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, स्कैन करके पेमेंट करते हैं। सरकार तो प्रयास करती भी है बहुत सारा, देखिए मीडिया में भी ये एक संदेश दिया जाता है कि किसी को अपना पिन नंबर मत दीजिए, किसी को अपनी निजी जानकारी मत दीजिए, ओटीपी कोई मांगे तो मत दीजिए। सरकार से ज़्यादा हम चाहेंगे कि लोग ही सतर्क रहें, इतना सब चीज़ में तेज़ हैं तो उसकी भी तो जानकारी होनी ही चाहिए। तो एक और शख्स यहाँ पे मौजूद है, केबीसी का कॉल आया कभी आपको? नहीं, आपको भी आया? आपको भी आया केबीसी? आया था तो भी हम फोन को काट दिए, रिप्लेस नहीं किया, बहस नहीं किए थे इसको। अब बहस किए ही नहीं, आप समझ गए कि ये फ्रॉड है? हाँ, फ्रॉड है, इसीलिए हम उसको काट दिए फोन को। जी हाँ, आप बताइए। जी मैम, मेरे मोबाइल में आया था व्हाट्सएप पर कि आप 25 लाख रुपया जीत गए हैं। अच्छा, तो मैं तो बहुत खुश हो गया कि 25 लाख रुपया, आप बहुत लकी नंबर है आपका, ये व्हाट्सएप नंबर से आपका नंबर निकला है, उसमें आप 25 लाख रुपया जीत गए। हाँ, केबीसी से। उसके बाद फिर मैंने उस नंबर पर फिर डिटेल्स पूछा कि इस पर कैसे बात होगा, तो ये बॉम्बे का एक मैनेजर का नंबर है, SBI बैंक मैनेजर का नंबर है, आप उनसे बात कीजिए, वो आपको सारा डिटेल्स बता देंगे। फिर मैंने फ़ोन किया तो फिर वो हमसे OTP नंबर मांगने लगे, फिर बैंक का डिटेल्स मांग रहे थे। आपने दिया? जी मैंने नहीं दिया। फिर मैं अपने घर में सभी फैमिली मेम्बर्स से बातचीत किया इस पर, तो वो लोग बताए कि नहीं, ये फ्रॉड है, आजकल बहुत सारा चल रहा है। फिर मैंने इसको फिर हमने नहीं किया। यानी कहीं ना कहीं बहुत बड़े घटना होने से बचे हैं? जी बिल्कुल मैम, आप लोगों, इतना मीडिया का भी बहुत बड़ा प्रभाव है कि जो हम लोग जान पाते हैं कि इस तरह का कॉल आए तो मैसेज आए तो उसको आप नज़रअंदाज कर दीजिए। तो ये आप लोगों का भी बहुत बड़ा देन है कि जो पब्लिक को आपसे
सेफली बचाते हैं। तो मैं धन्यवाद करता हूँ मीडिया को ये बताकर हम लोगों को अलर्ट करते हैं। तो इन्होंने देखा कि मीडिया का भी यहाँ पे बहुत बड़ा दायित्व बन जाता है। और बता दें जीएन भारत भी आपको अपील करता है कि ऐसे किसी भी कॉल, केबीसी हो चाहे मोदी जी का ये फोटो क्यों ना हो, बिल्कुल भी उसको रिसीव मत करिए, उस पर कोई रिस्पांस देने की जरूरत नहीं है। आपको बता दें कल ही सीआईडी मुख्यालय में एडीजी प्रशांत कुमार ने भी बैंक के कर्मचारियों से बैठक की है और उन्होंने खासकर एटीएम की सुरक्षा पर बहुत जोर दिया है और कहा है एटीएम की सुरक्षा के साथ ऐसे जो साइबर क्राइम हो रहे उन पर विशेष ध्यान रखा जाए। ऐसे ही जीएन भारत भी अपील करता है कि आप सेफ और सुरक्षित रहे, खासकर हम जिस तरीके से डिजिटल भारत की तरफ बढ़ रहे हैं वहाँ पे ऑनलाइन चीज़ों पे बहुत विशेष एक भी लिंक पर क्लिक करने के पहले कम से कम 100 बार सोचना अब जरूरी हो गया है, क्योंकि आपकी एक क्लिक और आपका बैंक का सारा खाता, सारा अकाउंट, सारा पैसा सब कुछ फिनिश हो जाएगा, साफ हो जाएगा गाड़ी कमाई। ऐसे ही तमाम अपडेट के लिए आप बने रहे जीएन भारत के साथ। धन्यवाद। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।